हाथों में ये लगाने वाले भाई, मेरी बाइक नहीं उतने का ये तो बाकी ये कैमरा भाई इसके अंदर इसको हटाते हैं भाई, रिवील करते हैं प्रॉपर। हट पहले से लगा भाई इसमें गार्ड, पहले से लगा हुआ भाई। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कार की ब्रोस। बाकी मैं और मेरे भाई जा रहे हैं आज फिर से भाई एक मॉडिफिकेशन के लिए अपनी जिग्निस को लेकर, और ये मॉडिफिकेशन अपनी जिग्निस में ही है। तो बाकी हमने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि कैसे हमने अपनी गाड़ी में डैम्पिंग कराई, गाड़ी को साउंड प्रूफ कराया। तो आज भाई हम करने वाले हैं साउंड प्रूफ के साथ एकदम धमाकेदार मॉडिफिकेशन, मतलब साउंड को लेके ही मॉडिफिकेशन है। तो बिना किसी तरीके चलते हैं अपने भैया के शॉप पर। आज हम नए भैया के वहाँ जाने वाले हैं और वहीं जाके बताएंगे हम क्या कराने वाले हैं। तो लेट्स गो भाई। और अपने भाई की जान पहचान देखो यार, ये देखो कार की ब्रोस भाई, सिंगर और कंपोजर दोनों ही हमें फेमस हो गए भाई। हम अब फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे, हो रहे हैं फेमस बस। यूट्यूब ये देख रहे हो, स्पॉटीफाई सब जगह भाई। जब जिग्निस लेके आ चुके हैं भाई, बाकी इसमें एक नुकसान हो गया भाई, पता नहीं कैसे इसका जो व्हील कवर है भाई वो गिर गया है। टायर गाड़ी बोल दिया अलाउ लगाओ सीधे गाड़ी करिए, अलाउ गिराओ व्हील कवर में जा नहीं आता। तो बाकी चलता है अभी अपने दादा के पास, वहीं जाके बता देते हम क्या कराने वाले गाड़ी पे। आज ना जो होने वाला ना भाई बहुत तगड़ा वन इन इंडिया भाई अपनी जिग्निस में होगा भाई, ठीक है? तो चलता फटाफट बता दे क्या कराने वाले भाई। ये गुप्त जगह जहाँ पर दुकान उगाना है, तो भाई आज चेक करते सामान क्या लेने वाले हैं। ये हाथों में एक ये लगाने वाले भाई, भाई दोनों भाई, एक ओरिजिनल वाली है और एक कॉपी वाली भाई। तुम चेक मारो, ये ओरिजिनल है और उधर वाली कॉपी है। ये 11.8 है और ये भाई ये है तुम्हारी 10.36 इंच की। तो बाकी फर्क देख लो, डब्बा लेने से छोटा है। नहीं इसकी डिस्प्ले बड़ी है उसमें। हाँ ये है। तो बाकी ये चेक मारो भाई, इसकी अनबॉक्सिंग अलग है भाई, देख रहे हो इसका डिब्बा पैकिंग वगैरह सब अलग है। ये खोल दो, खोल ले। ये देखो चेक मारो भाई, चेक करो भाई, स्प्लेंडर भी लगवा लेते हैं ऐसे हैं स्पीडोमीटर के ऊपर। नहीं ये बाइक नहीं उतने का, ये भाई देख रहे हो प्रॉपर है वो, है ना एल्यूमिनियम बॉडी है ना इसमें। हाँ बॉडी पूरी एल्यूमिनियम है भाई, देख रहे हो। सबसे मेन चीज़ भाई ये नॉब्स, ये सब बढ़िया भाई। उसमें ना अंदर स्क्रीन में दिखता भी तुमने कितने लेवल पर सेट कर रखा है, वो तो मैं फिटिंग के बाद ही बताऊँगा मैं। बाकी भी फिट जाएंगे ना उसके बाद प्रॉपर दिखाएंगे तुम्हें। इसका भी आउटलेट से चेक कर लो, और अगर लाइट वेट भी सही है ज़्यादा हैवी नहीं है तो मैं कॉपी वाले पे चेक करवाता एक बार। अपने तो ये फिट करने वाले हैं तो एक बार कॉपी वाला चेक करो। तो बाकी ये कॉपी वाली ये थोड़ी सस्ती है, सॉरी ज़्यादा सस्ती है इससे। उसका 464 पड़ता है भाई 15,500 के आसपास का, और इसका बेस मतलब इसका वो पड़ता है 464 8.5 का ना, 8.5 का पड़ता है। बाकी इसकी पैकिंग में, इसकी पैकिंग में अंतर पहले देख लिया होगा। और ये देखो भाई ये सिस्टम कुछ इस तरीके का है, पकड़ने की फील नहीं है पीछे, इसमें शायद पूरा प्लास्टिक होगा। नहीं नहीं वही है पर अंतर है चीज़ों में, मतलब ये है कि थोड़ा ये कॉपी वाला बाकी सीन देख। लेकिन उसमें ओरिजिनल में ये चीज़ नहीं है ना, बेजल्स निकालेंगे तो फर्क देख लो भाई ना। पीछे दिखाई उधर पीछे से कुछ तरीके का भाई, ये सिस्टम है दोनों का इसमें। एक दो तीन अभी तो उतना नॉलेज नहीं भाई इतना, लेकिन भाई ये है कि कॉपी वाले में थोड़ा इस टाइप का आता है, ओरिजिनल में इस टाइप का आता है। लेकिन ओरिजिनल का अंतर अलग है, लेकिन पकड़ के फील पता लग जाता है इसको, थोड़ा पकड़ने में हैवी हैवी लग रही है, थोड़ा लग जाता है फील पहले पता लग जाता है इसमें। तो बाकी अभी रिस्पॉन्स में गाड़ी के लगने के बाद ही पता लगेगा। तो बिना किसी तरीके अपने फिटिंग का सिस्टम मतलब सीन है वो करते हैं स्टार्ट। बाकी इसमें वायरिंग वगैरह इस तरीके से आती है इसमें, खुली ऐसे थैली में आती है, उसमें प्रॉपर डब्बे में है, उसका डब्बा में है वायरिंग है उसकी, वायरिंग है भाई। ये देखो ये आती है कि इसके वायरिंग इस तरीके से प्रॉपर, इसकी वायरिंग है तो इसको भी डाल दो इसमें। तो अपन लोग आ रहे वो वाला, और इसको रख देते हैं ऐसी बिकॉज ये हमारे काम का नहीं है। तो फिर फिटिंग टाइम में मिलता है आपसे। तो बाकी भाई आज का मॉडिफिकेशन चेक मारो भाई, आज का सिस्टम तो मैं बताया था मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो बाकी आज कैमरा भी लगने वाला अपनी गाड़ी पे, ये 2K डायमंड वाली डिस्प्ले लगने वाली अपनी गाड़ी पे, और लगने वाले भाई इन्फिनिटी के रेफरेंस सीरीज वाले कंपोनेंट्स। तो जो इन्फिनिटी के टॉप मोस्ट मतलब टॉप नॉच वो होते हैं ना सीरीज, वो डिफरेंट सीरीज है कंपोनेंट में। और बाकी ये जो कंपोनेंट है ना ये हमने पहले फिट करवा लिए थे, मैं बताना भूल गया था भाई ये खाली डिब्बा है। तो मतलब ये करो, ये मान लो कि हमने इसमें पहले फिट कर लिया, और बाकी ये भाई 2K डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले, और बाकी ये सर कैमरा भाई। तो अभी फटाफट भैया कर रहे हैं अपना यहाँ पर को काम हम शुरू। तो बाकी भी आज अपना पायर वाला था ये इसको करेंगे बाय बाय, अलग आएंगे डायमंड 2K वाला। और बाकी ये चेक मारो यहाँ पर फिल्टर लगे हुए भाई, ये इन्फिनिटी वाले हैं स्पीकर के अंदर के 6 इंच 2 वे। तो ये अपना डबल टिन वाला पायनियर का स्टीरियो था भाई, ये भी इसका आउटपुट भी बढ़िया था, लेकिन ये इसमें डीएस भी नहीं था, चक्कर में भाई थोड़ी चीज़ें खलती थी। बाकी इसमें मैप ऐप भी नहीं था तो थोड़ा सा रहता ही है, और बाकी डिस्प्ले होती है और ये होता है क्योंकि इसका आउटपुट भाई इन डिस्प्ले से ज़्यादा रहता है, जो नॉन डीएस भी आती है उनसे ज़्यादा रहता है इनका आउटपुट, तगड़ा भाई। तो बाकी अभी इसको भी हटा दिया है, अब इसको ले जाएंगे घर को और लगेगी अपने 2K वाले डिस्प्ले।
तो बाकी ये कैमरा भाई इसके अंदर अपना, तो बाकी इसको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं भाई क्या सिस्टम है इसके अंदर, देखा तो मैंने भी नहीं है। बाकी इसके अंदर पॉलीथीन है बड़ी सी, और बाकी चेक करवाते हैं भाई। मेरे तीन हाथ हैं भाई, एक हाथ से कैमरा पकड़े और अरे ये स्कैम है भाई हमारे साथ, खाली है, मजाक कर रहा हूँ भाई। कैमरा ये है इसके अंदर का, बाकी तो रिस्पॉन्स पाई लगने के बाद ही पता लगेगा, और बाकी थोड़ी बहुत वायरिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी सिस्टम लगाते हैं बढ़िया करके और उसके बाद बताते हैं भाई। अब इसमें एक चीज़ आ रखी है, तो इसमें बिड भी आ रखी है छेदित करने के लिए, किसी का छेद बनना तो बता दें। तो बाकी तो साइड पर रखते हैं भाई, और जब फिटिंग विटिंग के बाद ही मिलता है, मतलब फिटिंग के बाद ही, फिटिंग के बीच में मिलता है। अभी भाई चल रहा वहाँ कलाकारी चल रही है अभी, तो उसके बाद भाई इसमें तो मैं कुछ नहीं समझा सकता भाई, क्योंकि इसमें तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कि क्या सिस्टम क्या चीज़ होती है। भाई इतना पता है कि वायरिंग करके अपना 2K जो डिस्प्ले है वो लग जाती है, और रिस्पॉन्स मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल मैं स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना भाई, ठीक है। बाकी हमने अनबॉक्स करके तुम्हें पहले दिखा दी डिस्प्ले, तो बाकी एक बार दोबारा से दिखाते हैं। डिस्प्ले अगर वहीं पड़ी हुई है, और यह है भाई इसका वायरिंग किट, जो भी पूरी वायरिंग वायरिंग रहती है इसके अंदर रहती है पूरी, और प्रॉपर जो अपनी डिस्प्ले भाई वो डिब्बे के अंदर रखी हुई है, और उसको तो मैं प्यार से ना भाई उसका जो गार्ड है वो हटा के दिखाएंगे आराम से। सिम लग जाती है इसमें, सही है यार। ये कहाँ, ये कहाँ से निकला रहेगा वैसे, अगर लगानी होगा तो। अच्छा अच्छा, तो बाकी भाई इस डिस्प्ले में बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे तुम आराम आराम से बताएंगे, और बाकी हट जाओ भाई जरा। डॉल्फिन कहेंगे। तो बाकी भाई फीचर बहुत हैं इसमें, नेविगेशन भाई बहुत से फीचर हैं, आराम से बताएंगे। मतलब एक एंड्रॉइड कारप्ले और एप्पल कारप्ले सब भाई इसमें। तो बाकी भाई सिस्टम चेक मारो, धूल हो रही बढ़िया इसके अंदर। अरे एक नज़र दरवाजे मार देना, सी कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ है ये देखो गाइस। ये यस बाटे, ये वही है ना, मतलब बस गरम हो रहा करके। ये देखो भाई, बाकी इसमें भैया ने भी यहाँ पर कोई चीज़ लगी देख रहा होगा, ये नेविगेशन का सिस्टम है भाई, और वो वाला 4G अपना वाईफाई का सिस्टम है, मतलब जो भी वाईफाई दोगे वाईफाई का सिस्टम है समझ लो, ठीक है। और बाकी तो इसमें और रही क्या गया इसमें, बाकी वायरिंग का है, और उसके बाद फिट हो गया अपने डिस्प्ले, तो फिर डिस्प्ले को फिट होने देता है, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं भाई कैसी लग रही लुक में। और एक दिन में सर शायद ये पहली बार लग रही होगी यहाँ पर, वो हल्दवाई में तो पहले इग्निस होगी शायद, और गाड़ी में इग्निस में लगी क्या अभी तक, ये नहीं लगी है ना, पहले ही नहीं सब भाई जिसमें लगने वाली है। तो और बाकी हम इसके लिए यार बड़ा अफसोस है कि हम ढूंढ रहे थे इसके लिए भाई डीकेट वाला हैंडल, भाई किसी के नॉलेज में होगा तो मुझे बताना प्रॉपर इग्निस के लिए आता हो, बिकॉज मैं सिस्टम क्या है ना हैंडल बैठ जाता है, लेकिन जो अपना ये एयरबैग वाला होता है ये चीज़ ये नहीं बैठती भाई, तो उसको बैठाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, और जुगाड़ भाई हल्द्वानी में नहीं है, और वो जुगाड़ करवाना भी मत भाई, बिकॉज उसमें सीन क्या ना खतरा है भाई। और बाकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है चीज़ की, तो भाई इसमें ज़्यादा कमेंटबाजी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ होगा जुगाड़ तो मुझे पक्का बताना कि इसको मैं अगर डीकेट वाला करवाऊँ तो कौन सा लगवाऊँ, ठीक है। और बाकी भाई अभी करे रहे फिटिंग विटिंग, तो डिस्प्ले लगने देते हैं, उस पर तुम्हें मिलते हैं। तो बाकी एक भाई छेद गाड़ी में होता है, लेकिन दर्द दिल में हो जाता है भाई, देख रहे हो एक छेद कर रहे हैं यहाँ, कैमरा लगने वाला है इस गाड़ी पर, इसको ले जाऊँगा मैं अंकल घर में छेद बड़ा करने के लिए, क्यों मना कर दोगे भाई इसको लगाने के लिए। बाकी अभी भाई अपना काम शुरू हो गया है, मतलब काम शुरू तो पहले हो चुका था, मतलब डिस्प्ले का जो काम था अब हो गया भाई। तो अब डिस्प्ले में पीछे ना इस पर डिस्प्ले पहले लगता है अपना, ये कवर लगता है इसके पीछे से, और कवर के बाद बैठता है अपना ये, ये चेक मारो, इस वाले में नहीं फिट हो रहा होगा ना, ये थोड़ा छोटा है ऐसे, तो स्टॉक वाला ये है भाई कवर, तो उसके लिए अलग से कवर आता है, जो कवर का फ़ायदा ये होता है कवर इसको यहाँ पर रोकता है भाई। तो अभी जब डिस्प्ले लग जाएगी उसमें लुक चेक कराऊँगा, बहुत प्यारा लुक आने वाला है, और रिस्पॉन्स तो और तगड़ा भाई, क्योंकि DSB है इसके अंदर, और फीचर ना एक एक सब बताऊंगा क्या क्या फीचर है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं ना, हॉस्पिटल में बताया नहीं जाता एकदम से, तो हॉस्पिटल में इससे बढ़िया होता है कि घर जाओ आराम से, खुद फीचर पहले देखो एक्सप्लोर करो, उसके बाद देखो कि भाई क्या क्या सीन है, तो बाकी सब है। और बाकी हमने इसमें आमरेस भी लगा दिया था भाई, ये आमरेस बड़ा सही चीज़ है भाई, देख रहो इतनी स्पेस यहाँ पर है, और तुम्हें चार्जिंग आउटपुट दिखाता हूँ इसमें एक बार में, कितने आगे इसमें, तीन आगे हैं और पीछे भी शायद इसमें चार पीछे हैं, चार और तीन सात आउटपुट भाई देख रहे हो, और आमरेस इसमें बढ़िया है भाई, हाथ हाथ रखने में बहुत सही है। अब मुझे एक दिक्कत पड़ती थी इसमें गियर नॉब की, गियर नॉब में सोचा थोड़ा सा लंबा कराऊंगा ऊपर को, तो देखते हैं कुछ एक्सटेंशन एक्सटेंडर वगैरह आता है इसके लिए। तो बाकी देखो अभी सिस्टम विस्टम बैठ रहा अपने बढ़िया करके, उसके बाद थोड़ा सा बैठने देते हैं, बेहेवर नहीं देते, उसके बाद मैं आराम से दिखाता हूं। अपनी जो डिस्प्ले है भाई 2K वाली, वो अपनी इंस्टॉल हो चुकी है, मतलब फिट हो चुकी है अपने दिखने इसमें भाई, लुक चेक मारो क्या ही लग रही है भाई, देख रहे हो एम्बियंस के साथ भाई बड़ी सेक्सी लग रही है। तो बाकी इसको हटाते हैं भाई, रिवील करते हैं प्रॉपर भाई इसमें क्या गार्ड, अच्छा गार्ड पहले से लगा भाई इसमें, गार्ड पहले से लगा हुआ भाई देख रहे हो, इतना नज़र नहीं आ रहा होगा पता नहीं, लेकिन गार्ड पहले से लगा हुआ है। बाकी ये इसकी है भाई,
इसको करते हैं साइड, है ही दो। बाकी ये चेक मारो भाई, क्या ही लग रही गाड़ी भाई। अगर इंटीरियर 80% लोग चेंज कर दिए इसमें, मजाक सेट के भाई। बाकी सबसे प्रैक्टिकल चीज़ मुझे लगती है भाई इसमें, ये नॉब, ये चेक मारो। और 40+ वॉइस साउंड है इसकी, 40 जा रही है। और बाकी ये चीज़, और बाकी रिस्पॉन्स चेक करते हैं इसका एक बार। अच्छा ये बाकी रिस्पॉन्स चेक मारो भाई, भाई बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी। म्यूजिक ये अपनी जो डिस्प्ले ना 464 पे है, तो इसमें भी तुम कर सकते हो। अच्छा इसके खुद के हैं गाने, ये खुद के गाने चल रहे हैं भाई इसमें। अब बनेगी इसके अंदर भाई सिग्नेचर साउंड, इसे कहते हैं ना, वो बनेगी इसमें। थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करेंगे इसको बढ़िया करके आराम से, उसके बाद प्रॉपर आवाज़ सुनाएंगे तुम्हें इसकी भाई। और बाकी इसमें इन्फिनिटी की रेफरेंस ही लगी हुई है पहले से, तो मतलब पहले से कल ही लगवाई हमने। और बाकी इसके अंदर मैच खा के भाई बहुत ज़्यादा प्यारी बात करने वाला है, तो रिस्पॉन्स आराम से चेक कर पाएंगे जिसको सेडेड कर लेंगे प्रॉपर। तो अभी चेक मारो डिस्प्ले का रिस्पॉन्स, मतलब डिस्प्ले चेक मारो कि प्यारी लग रही, देख रहे हो सेक्सी भाई। बाकी गाना तो क्या ही आ रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे, गाना कितना गजब लग रहा है समझ में ना आ रहा भाई। बाकी रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है डिस्प्ले का भाई, लैग वैग बिल्कुल नहीं है इस डिस्प्ले में। तो बाकी भी सेटिंग वेटिंग करनी थोड़ी बहुत इसकी, फिर रिवर्स कैमरे को एक्टिवेट करने के लिए, तो थोड़ी देर में दिखाते हैं भाई आराम से। तो बाकी भाई अभी हम आ चुके हैं घर, क्योंकि वहाँ कल हो गई थी बारिश, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी सीन शॉट नहीं हुआ। और घर आके भाई अंधेरा हो गया, तो मैंने कहा क्या ही तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें क्या ही समझ में आएगा, तो इससे बड़े मैंने कहा कल बनाएंगे आराम से। तो अभी शाम के टाइम में मैंने कहा तुम्हें वीडियो बना के दिखाते हैं। और आज सुबह से बारिश है भाई, क्या बारिश में मजा आ गया। बाकी एक नुकसान तुम्हें बताया मैंने वीडियो की शुरुआत में कि उसका व्हील कवर गिर गया, तो इसको इग्नोर करो। बाकी गाड़ी की हरा चेक मारो भाई, बारिश चेक करना, बड़ी गंदी सी हो रही गाड़ी। तो बाकी दिखवाते हैं अपनी गाड़ी में भाई जो हमने काम करवा रखा है, तो बाकी चेक मारो भाई गाड़ी के अंदर बैठ के। तो गाड़ी की अपनी खुद की खुशबू आती है ना भाई, क्या ही खुशबू आती, मजा सा आ जाता भाई सुन के। तो उसे सारे गाड़ी के परफ्यूम फैले भाई, जो गाड़ी नई गाड़ी में से खुशबू आती है ना, उसका फील ही अलग है भाई। तो बाकी इसका रिस्पॉन्स तुमने चेक करा भाई, चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट करते भाई अपने जो डिस्प्ले है भाई वो वर्किंग कंडीशन में आ गई। और बाकी अभी ये ढूंढ रही है भाई अपने साथी को, मतलब कि कोई फोन कोई उससे कनेक्ट हो सके, तो उसको करते हैं दूर। बाकी तुम्हें इसका चेक करते सिस्टम, तो पहले तो भाई तुम्हें बता दिया पहले ही कि 11.38 इंच की डिस्प्ले है, जिसका रिस्पॉन्स भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है। बाकी ये चेक करो भाई सिंगल स्वाइप में, मतलब सिंगल टच में स्वाइप हो जाती है, और कहीं पर भी लैग लू कुछ नहीं, बिकॉज 464 में है। और फीचर्स तो भाई इसमें नेविगेशन भी तुम्हें मिल जाता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं, प्लस इसमें तुम्हें 5G का सपोर्ट मिल जाता है, और सिम भी डाल सकते हो तुम्हें कभी यूज़ करना है तब। बाकी मेरा भाई भी आ चुका है, तो बाकी इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा आईफोन के iOS जैसा है दिखने, लाइटर्स वगैरह और सब कुछ, ये ब्राइटनेस वगैरह और ये वॉल्यूम टाइप का सब कुछ थोड़ा सा मतलब आईफोन टाइप का ना इसका कल का। तो ये तो आईफोन यूजर है, इनको पता होगा कैसा लगता है करके, हम तो गरीब एंड्रॉइड वाले हुए। तो बाकी ये इसका सभी सिस्टम है भाई देखो, और बाकी इसमें कुछ ऐसा ज्यादा वो नहीं है बताने के लिए, बाकी नॉर्मल चीजें हैं इसमें, प्ले स्टोर फोन वगैरह। बाकी इसमें कनेक्ट करने का मुझे सीन बड़ा बेकार सा लगता है कि इसमें सिर्फ तुम ये कार प्ले को यूज करके म्यूजिक वगैरह बजा सकते हो, यार उन्होंने तो ऐसे ही बोला मेरे को, बाकी मुझे उससे ज्यादा पता नहीं है। तो डिस्प्ले अपना ये सब हो गया, बाकी अपने स्पीकर लगे हुए इसमें इन्फिनिटी के, जो कि रेफरेंस सीरीज है, और पीछे अपने सोनी के ही कोएक्सल लगे हुए हैं जो कंपनी से आए थे, और लास्ट में लगे भाई सोनी के अपने ओवल, और नीचे लगा पायनियर का बेस ट्यूब। तो मैं बाकी इसका रिस्पॉन्स चेक करवाते हैं, तो कनेक्ट करने उस पर तुम्हें चेक करवाते हैं भाई। तो इसको कनेक्ट करने की प्रोसेस ना बहुत ज्यादा आसान है, करना कुछ नहीं है, पहले तो खुद ही अपना, पहले अगर तुमने अपना फोन कनेक्ट कर रखा है और ब्लूटूथ ऑन है तो भाई अपना कनेक्ट हो जाती है। बाकी देखो मेरे फोन का ब्लूटूथ खुला भाई, अपने आप से खुल गया, अब दोनों में कनेक्ट हो गई, ये देखो यहाँ से कनेक्ट हो गई। अगर ऐसा स्क्रीन पर आ गया इंटरफेस तो भाई अपनी जो है कनेक्ट हो गई है। बाकी इसमें सुनाते हैं गाने जो कि हैं भाई कॉपीराइट वाले, थोड़ा सा काट देंगे बीच बीच से, तो भी मैं चेक कराता। तो बाकी सिस्टम भाई वही है अपना, यहाँ पर Z-Link वाला ओपन करो, ये अपना फोन अपना कनेक्ट कर लेता है। तो बाकी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है कि मेरे फोन में नेट नहीं, इस चक्कर में भाई अपना जो गूगल मैप है उस चक्कर में वो नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा, तो चूज साइड करते हैं। बाकी तुम्हें इसका रिस्पॉन्स चेक कराते, आवाज़ का हम चेक करेंगे स्कोच पे, बिकॉज मेरे फोन में नेट नहीं, चक्कर में ही सुनाते हैं उसकी आवाज़ सुनो। और पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज पहले ही बता देता हूँ, हमने इससे पहले पायनियर यूज़ करा हुआ है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा बैलेंस आवाज़ आती थी, मतलब बेस वोकल्स बहुत बैलेंस आते थे। इसमें क्या ना थोड़े से वोकल्स अपने बूस्टेड हैं, क्योंकि इसमें लग चुके हैं भाई ट्विटर के चक्कर में, जो अपने वोकल्स हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा खिल के आते, बहुत ज़्यादा प्यारे आते, और बहुत ही ज़्यादा साउंड बनती है, एक कहते हैं ना सिग्नेचर साउंड वो बनती है इसके अंदर। तो बाकी तुम्हें चेक कराते इसका रिस्पॉन्स, और चेक मारो भाई। तो भाई का ये फीचर देखो भाई, ये सबसे बेस्ट है भाई ये, ठीक है 30 पर रखता है आवाज। बाकी वोकल चेक मारो भाई, पीछे का जो वो टू टू टी टी आता ना, वो बहुत ज्यादा प्यारा आ रहा है, ये चेक मारो। मेरे तो होने चाहिए।
जो आवाज तीखी तीखी सी आई गाड़ी के अंदर वो तीखी तीखा अब बन रही, बिकॉज अब लग चुके ट्विटर, वो भी डीएसपी वाले स्टीरियो के साथ, मतलब डिस्प्ले के साथ। तो बाकी चेक मारो भाई। पीछे बात कैसी बन रही, मजा आ रहा ना? हॉल मतलब 3D साउंड बन रही पूरी प्रॉपर। तो बाकी ये कुछ रिस्पॉन्स है इसका डिस्प्ले का। भाई डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्यारे लग रही है अपने इग्निस के अंदर। भाई 80% लुक तो भाई इसने बना दिया है। बाकी अपनी एम्बियंस वगैरह है ही। अगर बेस है ना अपना बेस मॉडल है ना, लेकिन टॉप से ज़्यादा केला लग रहा है। क्यों मतलब अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देना ये वाला हिस्से को हम, तो भाई मतलब टॉप वाला कोई बेस है, टॉप से तगड़ा लगेगा भाई, ये फेल हो जाएगा। तुम अंदर बैठेगा तुमको पता नहीं लगेगा बेस है टॉप है। हाँ हाँ, कुछ टाइम बाद ऐसी चीज होने वाली, क्योंकि तुम्हें पता नहीं लगा कि ये बेस है टॉप है भाई। बस अगर पता लग गया तो ये एसी वेंट इसके चक्कर में पता लगेगा, ये बता देगा कि भाई बेस हूँ, बाकी ये तो कुछ नहीं पता लगने वाला है। तो बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि अपना जो ये सिस्टम है, ये इंटीरियर है, तुम्हें कैसा लग रहा है? इतने रिच फील दे रहा है ना भाई, लगने लगे छोटी गाड़ी। पीछे से देखो, पीछे से लुक चेक मारो एक बार, ये देखो देख रहा भाई कितना, मतलब वो एम्बियन के साथ भाई साहब वो 2K डिस्प्ले आए है। रात को ना और सेक्सी लगता है, रात को अच्छा लगता है। और ये पार्किंग चला, पार्किंग ये देखो डार्क मोड है इसमें। अब देखो अब क्या लग रहा है, अब मजा आता ना ऐसे को रात में। हम ज्यादातर कर रहे हैं ना आजकल, दिन में भी डार्क मोड ऑन कर रहे हैं। और भाई डिस्प्ले लैफ्ट जितने तेज कर, देखो बिल्कुल भी लैग नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब कर। ये देखो जैसे वैसे डिस्प्ले होते हैं थोड़ा अटकती है, ये बिल्कुल भी नहीं अटकती है, ये बिल्कुल नहीं अटकती भाई। हाँ मतलब बहुत ज्यादा प्यारा रिस्पॉन्स है। बाकी लुक चेक मारो, बहुत ज्यादा रिच लुक है इसका। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मॉडिफिकेशन कैसी लगी है, और जो अपने छोटे छोटे चीजें करवाई है गाड़ी में कैसे लगे। एक स्पीकर करवा रखा है, ये आर्मरेस्ट करवा रखा है, और एक साकफिन एंटीना भी करवा रखा है। तो मैं चेक करवाते हैं बाहर से भाई। तो ये तो आपने इंटीरियर की बात, ये भाई अपने ऊपर से करवा रखा साकफिन एंटीना। ऐसा लगता है वो निकला हुआ तार से मजा नहीं आता है। और बाकी सामने से करवा रखी है इसमें भाई ये लाइट है, ये चेक मारो। इससे थोड़ा ना गाड़ी अग्रेसिव लगती है लगाने के बाद, बड़ी प्यारी से लग रही थी, क्यूट क्यूट सी अग्रेसिव सी, मतलब मजा आता। तो बाकी ये चार्जिंग भाई तुम इसमें चेक मारो, वीडियो में चेक मारो कितनी सही लग रही है। और बाकी इसमें हम कुछ टाइम में अलॉय गिरवा देंगे, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई ये वाले अलॉय लगाओ, उसमें हम देखेंगे भाई। क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कि कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अलॉय लगवाएं, तो चक्कर में समझ में नहीं आ रहा अलॉय कौन सा लगाने हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना अलॉय कौन सा लगाना है गाड़ी में जो करवाया हुआ है। तो बाकी तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई, मुझे कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताना कि ये मॉडिफिकेशन कैसे लगी है और रिस्पांस कैसा लगा, ये भी मुझे पक्का बताना। और हमने एक चीज और छोटी सी करवाई भाई, ये देखो भाई छोटी सी लाइट, ये व्हाइट लाइट करवा रखी है इसमें। इसमें पहले येलो हैलोजन आता था, उसमें मजा नहीं आता रिस्पॉन्स में उसके, बड़ा बेकार सा। देखो इसका मुंह देखना, ये देखो भाई पहले से गोरा हूं भाई, अंतर तो आ रहा है। ये है देखे एक, और एक ये है आईफोन में दिखते हैं बढ़िया, और कुछ नहीं भाई। गोरे दिखे गोरे, ये देखो भाई यहाँ सबके पैसे होते हैं हमारी हमारी गाड़ी में। ऊपर दिखा क्या है, अरे स्टार्ट तो कर पहले, कैमरा खोलना ऐसे मत दिखा। क्या है गाड़ी में यहाँ? ओ ओ माय गॉड, ये आपका सामान सोना सोना आपका भाई यहाँ। तो मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा ये मॉडिफिकेशन। बाकी अपने ब्लॉग को भी थिन करता है, होप क्या आपको ब्लॉग पसंद आया। तो हंसते रहो खेलते रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो, आपसे मिलते हैं आने वाले ब्लॉग पर। तब तक स्टूडेंट जय श्री राम भाई।